नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं अपर्णा और टोटल न्यूज पर सुपर धोखे की कहानी जारी है। इसके तीसरे पार्ट में आपको दिखाएंगे बिल्डर कैसे बायर्स के साथ धोखाधड़ी करते हैं, सुपर टेक के धोखे की पूरी प्लानिंग कैसे हुई और कैसे बच्चों के पार्क की जगह बन गए दो टावर। आज की कहानी में किरदार कई हैं, बायर्स ही नहीं बिल्डर मजदूरों के भी जान के दुश्मन बने हुए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे होता है मजदूरों की जान से खिलवाड़, ये भी आपको दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सुपर धोखे की कहानी पार्ट 3 की। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो इन ऊंची ऊंची इमारतों को खड़ा करने में दिन रात अपना पसीना बहाते हैं। बिल्डर बायर्स के साथ धोखा करके मोटा मुनाफा कमाते हैं, ये तो आम खबर हो गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। कैसे उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है जो दिन रात मेहनत करते हैं इन ऊंची इमारतों को खड़ी करने में। गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन साइट पर गुरुवार हुए हादसे के बाद पुलिस ने 28 घंटों की देरी के बाद बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टोटल न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद गुड़गांव पुलिस हरकत में आई और करीब 28 घंटों के बाद पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 337 के तहत ये मामला दर्ज किया है। गुड़गांव में बिल्डरों की मनमानी के आगे प्रशासन भी बौना साबित हो रहा है। गुड़गांव को सिंगापुर बनाने की बात कर ये बिल्डर शहर में कई गगनचुंबी इमारतें तो खड़ी कर रहे हैं, लेकिन इन इमारतों में कई निर्दोष मजदूरों की जानें लगातार जा रही हैं। आए दिन कोई ना कोई मजदूर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे का शिकार हो जाता है और बिल्डर प्रशासनिक मिलीभगत से मामला दबा देते हैं। गुरुवार को गुड़गांव के सेक्टर 86 में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त एक मजदूर के शरीर में 6 फीट का सरिया घुस गया। गनीमत रही कि मजदूर अब भी सांसें ले रहा है, लेकिन इस घटना ने जिला प्रशासन की आंखें खोल दी। गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही गुड़गांव में चल रही सभी साइट्स पर सेफ्टी नॉर्म्स के पालन को लेकर एक टीम बनाने की बात कर रहे हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो इनको लाइसेंस देता है और लाइसेंस मिलने के बाद ही बिल्डर्स वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स लेने जरूरी हैं, तो वो मेजर्स लिए गए नहीं लिए जा रहे हैं, वो उसकी जो सेफ्टी ऑडिट है वो की जानी जरूरी है। तो इस बारे में जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे भी मैंने कहा है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुला के इस बारे में एक बार मीटिंग की जाए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे मजदूरों की हालत बद से बदतर है। यकीन न हो तो जरा देखिए इन तस्वीरों को, किस तरह से ये मजदूर अपनी जान की परवाह किए बिना चंद पैसों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। हमारी टीम ने गुड़गांव में चल रही बिल्डर साइट्स का दौरा किया, जहां मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं था। कई जगहों पर तो सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट तक नहीं थे। देखिए, ये गुड़गांव का सेक्टर 46 का एरिया है जहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अब जरा काम कर रहे मजदूरों पर गौर करें। लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहे इन मजदूरों के सिर पर हेलमेट तक नहीं है, जबकि नियम के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वालों के लिए लंबे चौड़े सेफ्टी नॉर्म्स हैं। यहां तक कि साइटों पर फर्स्ट एड की बेहतर सुविधा का भी प्रावधान है, लेकिन फर्स्ट एड तो छोड़िए, यहां तो सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट तक गायब है। उनके पास जो प्रॉपर हेलमेट होते हैं, जो क्वालिटी होती है, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। जो सेफ्टी जैकेट्स हैं वो एक भी साइट पे अवेलेबल नहीं थी। हम गए थे, हमने लेबर कमिश्नर को उसकी कंप्लेंट की और उनसे लिस्ट मांगी। लेबर कमिश्नर की फाइल के अंदर वो आपको मिल जाएगी और जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके जो इंजीनियर्स हैं उनकी फाइल पे मिल जाएगी, किसी जगह आपको वो पेस्ट नहीं मिलेगी, जबकि सबसे पहला कानून ये बोलता है कि वो वॉल पे चिपका होना चाहिए। मजदूरों की जान से खिलवाड़ की बात कोई नई नहीं है। इन हाईराइज इमारतों की तह में जाए तो कई निर्दोष मजदूरों की खून से लथपथ ईंटें मिल जाएंगी।
लेकिन पैसों के दम पर प्रशासन को अपनी मुट्ठी में बंद करने वाले इन बिल्डरों के लिए इन मजदूरों की जानें उतनी महंगी नहीं है जितना कि इनका प्रोजेक्ट। हालांकि पहली बार गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई असल मायने में क्या होती है और कब होती है ये तो देखने वाली बात होगी। टोटल न्यूज के लिए गुड़गांव से सुशील सिंह की रिपोर्ट। तो देर से ही जागा लेकिन जाग गया है प्रशासन, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बिल्डर्स कब जागेंगे जो इतनी लागत से गगनचुंबी इमारतें खड़ी करते हैं लेकिन अपने मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ करते हैं। गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ हादसा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये घटना बानगी है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाली लापरवाही की। अपने महंगे प्रोजेक्ट को पूरा करवाने के लिए मजदूरों की जान को सस्ता या यूं कहे कि मामूली समझने वाले इन बिल्डरों पर कार्रवाई कब होगी ये सवाल अब फिर से उठ खड़ा हुआ है। गुड़गांव के सेक्टर 86 में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त एक मजदूर के पिछले हिस्से से करीब 6 फुट लंबा सरिया आर पार हो गया था। गंभीर हालत में मजदूर को तुरंत सोहना रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके शरीर से सरिया निकाल दिया, लेकिन मजदूर की हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल उन बिल्डरों पर उठ रहे हैं जिनके लिए अपने मुनाफे से बड़ा कुछ भी नहीं। टोटल न्यूज कर रहा है उन बिल्डरों से सवाल जिनके लिए मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं। क्यों कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता? क्यों मजदूरों को सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट नहीं दिए जाते? आखिर कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी मजदूर को चोट लगे तो फर्स्ट एड का इंतजाम क्यों नहीं होता? आखिर मजदूर के शरीर में सरिया घुसने के बाद कार्रवाई में देरी क्यों? बिल्डर के खिलाफ तुरंत लापरवाही का मामला आखिर दर्ज क्यों नहीं हुआ? FIR दर्ज होने में 28 घंटों से ज्यादा का वक्त क्यों लग गया? बिल्डर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन ना करें तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? निगरानी के लिए कोई टीम अब तक क्यों नहीं बनी? सवाल पहले भी कई बार उठे हैं लेकिन बात दबा दी गई। आरोप है कि बिल्डर अपने रुतबे का इस्तेमाल कर मामले को दबाकर बच निकलते हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए बिल्डरों का ये खेल आखिर कब तक जारी रहेगा? क्या कानून का डंडा इन पर लगाम लगा पाएगा? टोटल न्यूज के लिए गुड़गांव से सुशील सिंह की रिपोर्ट। वही गुड़गांव के बाद पानीपत में भी बिल्डर कंपनी TDI की ओर से जोर जबरदस्ती और गैर वाजिब वसूली से परेशान प्लॉट होल्डर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ग्राहकों का आरोप है कि TDI पानीपत सिटी में 8 साल बाद भी 25% ही डेवलपमेंट नजर आ रहा है, जबकि कंपनी कस्टमर्स पर हमेशा भुगतान का दबाव बनाती रहती है। गुड़गांव में बिल्डरों की धींगा मुश्ती और हरियाणा में बिल्डरों को लाइसेंस देने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अफसर को पार्टी बनाकर कोर्ट में ले जाने की घटना के बाद हरियाणा की GT रोड बेल्ट में भी बिल्डरों की मनमानी और ग्राहकों के शोषण का गुस्सा फूटने लगा है। 2005-06 में पानीपत सिटी में प्रोजेक्ट लेकर आए TDI ग्रुप के खिलाफ लोग फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। वजह अनाप शनाप वसूली और वायदों से मुकरना। रेजिडेंशियल पर्पज से मैंने वो प्रॉपर्टी जो है खरीदी थी। आज की डेट में आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे पोजीशन के लिए तो प्रेशर आता है, कंपनी से फोन आते हैं कि आप पोजीशन ले लीजिए, इतना पैसा जमा करा दीजिए। बट आप वहाँ पे जाके देखेंगे आप अपनी फैमिली को कैसे स्टे कराएंगे वहाँ पे, जब वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, इवन की 4 दीवारी तक नहीं हुई है पूरी कॉलोनी की। TDI वाले अनावश्यक रूप से तंग कर रहे हैं। हमारी पेमेंट जमा है, 2-2, 3-3 महीनों के साल हो गए पेमेंट देते हुए, लेकिन इनका महीने में 3 बार रिमाइंडर आता है। ये अनावश्यक रूप से फालतू का लोगों को तंग कर रहे हैं ना। इन्होंने EDC IDC भी ले लिया लेकिन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं करी। गौरतलब है कि ये वही TDI ग्रुप है जिसके खिलाफ मई 2011 में सोनीपत के लोगों ने कंपनी के पुतले जलाकर प्रशासन और सरकार से इस पर लगाम लगाने की मांग की थी। तब तो सोनीपत की BJP विधायक कविता जैन भी लोगों के साथ धरने पर बैठी थी। अब ऐसे ही कुछ हालात पानीपत में भी हो सकते हैं।
क्लाइंट को परेशान करने, पब्लिक को परेशान करने का एक, ताकि टाइम पे डिमांड लेटर नहीं देते और बाद में इंटरेस्ट ठोक देते हैं उस चीज़ पे, तो हमें टेंशन हो जाती है, हमें बार बार इनको रिमाइंडर करना पड़ता है, ना फोन पे रिस्पॉन्स देते ना मेल पे रिस्पॉन्स देते जल्दी से। अपने खून पसीने की कमाई और बैंकों से कर्ज लेकर आशियाना बसाने का सपना देख रहे लोगों का आरोप है कि 8 साल बाद भी TDI टाउनशिप में डेवलपमेंट 25% भी नहीं हुआ, जबकि कंपनी हमेशा ग्राहकों पर नाजायज तरीके से EDC IDC वसूली का दबाव बनाती है। ये भी सामने आया है कि TDI ने सरकार की लाइसेंस शर्तों के मुताबिक EDC IDC का पूरा और समय पर भुगतान नहीं किया, जिसकी एवज में पेनल्टी और ब्याज निवेशकों के मत्थे मर दिया गया। परेशान लोग अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हैं। शायद अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने लोगों का डर निकाल दिया है। आज की डेट में मैंने ऑलमोस्ट काफी डीलरों से बोला है कि मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, एक भी डीलर नहीं है जिसका मुझे फोन वापस आया हो कि ये प्रॉपर्टी जो है हम आपकी सेल कर देंगे। टोटल न्यूज के पास पहुंचे कई शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कंपनी के कस्टमर केयर पर उनकी सुनवाई नहीं होती, ना ही रिस्पॉन्स मिलता। दिल्ली पहुंचे तो उन्हें अकाउंट्स और नियमों में उलझा दिया जाता है। TDI के पानीपत दफ्तर का तो ये हाल है कि यहां बैठे लोग खुद को प्यादा मानकर दिल्ली जाने की दलील देते हैं। कंपनी के डीलर किस तरीके से HDFC से फाइनेंस करवाकर प्लॉट बिकवाने का खेल खेलते हैं, आपको ये भी दिखाएंगे। ये अब साबित हो चुका है कि HDFC हाउसिंग फाइनेंस और बिल्डर TDI साठ गांठ करके लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, ये आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। इसलिए तब तक काइंड अटेंशन प्लीज। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो सुपर धोखे की ये कहानी जारी है, छोटे से ब्रेक के बाद भी।